फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की। आज हम आपको परसेंटेज एकदम बेसिक से बताएंगे और उसके बाद हम इसमें इसको दो से तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन आप बहुत ही इजिली कर पाएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं परसेंटेज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। देखिए, सिंपल सा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है, परसेंटेज इसका मतलब होता है पर, मतलब प्रत्येक, ठीक, और सेंट का मतलब होता है 100 और एज का मतलब होता है अवधि, ठीक है। तो हर एक 100 पर हम बात करेंगे, हर एक जो भी परसेंट होता है, परसेंट क्या है, हर 100 पर बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई कहता है कि 15% है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 100 पर 15 है, 100 पर 15 है। कोई भी चीज हो, रुपए हो या फिर कोई अन्य चीज हो, तो वो 100 पर है, ठीक है, 100 पर। अगर हर एक 100 रुपए पर 15 रुपए, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए हैं और उसका 15% मैं किसी को दे देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको 100 रुपए में से 15 रुपए दे दिए हैं, इसका मतलब ये होता है। अब हम समझते हैं कि प्रतिशत को बनाते कैसे हैं, प्रतिशत ये कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे इजी मेथड ये है कि आप लोग सभी लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हाई स्कूल में आपके कुछ मार्क्स आते थे और उन मार्क्स को आप खुद परसेंट में चेंज करते थे। कैसे चेंज करते थे, देखिए, आपको पता है कि हाई स्कूल में आपका मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 600 होता है, ठीक है, 600 होता है। अब मान लेते हैं कि आपके कितने आ गए, 350 मार्क्स आ गए, कितने आ गए, 350 आ गए, ठीक है, या 360 आ गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे प्रतिशत कितना बना, कितना परसेंट नंबर हमको मिला है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, आए कितने हमारे पास हैं, कितने, 360, कितने में से हैं, जिस में से होता है वो हमारा रहता है बेस। क्या होता है, वो होता है बेस। जितने में से नंबर आते हैं या फिर हमारे पैसे होते हैं या रुपए होते हैं, वो होता है हमारा बेस। और जितने हमारे पास हैं, मेरी जेब में जितने हैं, वो होते हैं हमारे कुल रुपए या कुल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 360 रुपए हैं, कितने में से हैं, वो है 600 में से। तो बेस हमेशा नीचे रखते हैं, बेस हमेशा नीचे रखते हैं, जो मैक्सिमम होता है, कुल होता है, उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जितना हमें मिला है हम उसको ऊपर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, अब इसे बदलना किसमें है, प्रतिशत में बदलना है, हर एक 100 में बदलना है। तो क्या करिए, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। जितने हैं हमारे पास उसको हम ऊपर रखेंगे, जितने में से हैं उसको नीचे रखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे, बस आपका परसेंट में बदल गया। आप क्या करते थे, 2 जीरो यहां काट दिए और यहां से काट दिए, 6×36 यानी 60% आपका बन जाता था। तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा था कि जो यह नीचे हमारा बन के आता है, वो हमारा तो होता है कुल, जो हमारे पास कुल चीज थी वो होती है, ठीक है। तो नीचे जो भी आएगा वो कुल चीज होगी और ऊपर वो जो चीज होगी वो क्या होगी, जितना है हमारे पास, ठीक है, जितना है हमारे पास। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था इस चीज से, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि प्रतिशत, ये जो चिन्ह लगाते हैं हम लोग प्रतिशत, देखिए समझिए, ये प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं प्रतिशत लगा है और इसको क्या करना हो, हटाना हो, क्या करना हो, हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर दो, भाग कर दो कितने से, 100 से, ठीक है। किसी के आगे भी ये चिन्ह लगा हुआ है तो उसको हटाना है, तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। और इसी को हमें क्या करना है, किसी के आगे लगाना है, क्या करना है, लगाना है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितने से, 100 से। बात समझ गए, बात समझ गए ना, कि तो क्या करना है, हमें 100 से गुणा करना है जब लगाना है, और जब हटाना है तो 100 से भाग करनी है। बस इतनी सी चीज हमें समझनी है, ठीक है, परसेंटेज के बारे में। आगे देखते हैं कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, वो चीजें, ठीक है। देखिए, ईश्वर ने, प्रकृति ने हर किसी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को कैसा बनाया है, परफेक्ट बनाया है। कैसा बनाया, परफेक्ट बनाया, पूर्ण बनाया है। तो पूर्ण
पूर्ण चीज क्या होती है? 100% होती है। 100% का मतलब क्या है? एक। 100% का मतलब क्या है? एक है। अब ये एक बनता कैसे? क्या बताया हमने कि प्रतिशत का मतलब बटे में 100, ये चिन्ह का मतलब बटे में 100, और 100 के बटे में अगर आप 100 करेंगे तो आएगा कितना? एक। ऐसे ही अगर हम 50% निकालें तो इसका मतलब क्या होगा? 50% 100 का मतलब एक, तो 50 का मतलब कितना हो गया? आधा हुआ कि नहीं हुआ? आधा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसी तरीके से 25% का मतलब कितना हो गया? 25% का मतलब हो गया चौथाई। 25% का मतलब हो गया चौथाई। और अगर हम 25 को भी आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/8 हिस्सा हो जाएगा। 1/8 हिस्सा हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? ठीक। अब देखिए कहीं पर आपको 33.3 मिलता है प्रतिशत, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/3। क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, कहीं पर आपको मिलेगा 16.2%, तो इसका मतलब होगा 1/6। कितना होगा? 1/6 होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लर्न रखेंगे, जिनको आप याद रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। अच्छा, निकालने की बात अगर आ जाए, ये कैसे बना? तो देखिए कैसे बनता है ये, तो 33, 99 और 100। ठीक। अब नीचे कितने हो जाएंगे? देखिए 3 तो पहले से थे, और ये प्रतिशत का चिन्ह आपने हटाया तो नीचे और 100 आ गए, तो ये 100 से 100 कट गए, तो कितना बचा? 1/3 बचा। इसी तरह से याद रखिए 16, 3, 48 और 2 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो 50/ कितना हो जाएगा? 3 तो ये है, और परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100। 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितनी भी संख्याएं हैं वो बनती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और हम क्वेश्चन बहुत इजीली लगाएंगे। क्वेश्चन के लिए कोई अलग से रटने वाली ट्रिक नहीं है, एकदम इजी ट्रिक है, बस आप एकदम अपने ओपन माइंड से इसको समझिएगा, और जो व्यवहारिक मैथ होती है उसे समझिएगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोई फार्मूला लगाएं या किसी प्रकार का कोई पहाड़ा पढ़ना है या कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एकदम अपना मस्तिष्क को ओपन रखना है, बस व्यवहारिक तरीके से सोचना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे के, देखते हैं कि ये क्वेश्चन है पहला, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। मान लेते हैं कि सोचते हैं थोड़ा सा व्यवहारिक होकर, और कुछ नहीं सोचना है। एक मजदूर था पहले, उसको 100 रुपए मिलते थे, बात समझ रहे हैं? बाद में जब 20% उसमें से कटौती कर देंगे तो कितने मिलेंगे बताइए भैया? 80 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 20% अगर 100 में से आप 20 कम कर दोगे तो 80 रुपए मिल रहे हैं। ठीक। अब क्या करना है कि अब 80 रुपए आज मिल रहे हैं, हम उसको 100 रुपए देना चाहते हैं, हम कितने देना चाहते हैं? 100 रुपए। तो हमें कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 20 रुपए। ठीक। अब किस पर बढ़ाओगे? बढ़ाओगे 80 पर, तो बेस क्या हो गया? 80। कितने बढ़ाने हैं? 20। तो क्या बताया था अभी पीछे? जितने हैं कितने हैं? 20। कितने में से हैं? 80 में से, बटे, और क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो बस सीधा सा 100 करिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4 25 100, कितना हो गया? 25%। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 25% आंसर आ जाएगा। बताइए कोई ज्यादा इसमें ट्रिक लगी, किसी प्रकार का कोई फार्मूला लगा? कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक चीज है। ऐसे ही अगला देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? 33.1% कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना है, कितने प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि 33.1/3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1/3। ठीक है, अब बात समझना, इतना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो ये वाली चीज कम है, कितने में से? 3 में से। ठीक है, ऊपर वाली चीज हमने कहा इतनी चीज है, ये तो इतनी कम है, कम बोल रहा है तो कम है, कितना कम है? 1। कितने में से? 3 में से, 3 है कुल। अब यहां देखिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, तो किसकी कम है? ए का वेतन बी के वेतन से। भाई ए का वेतन कम है तो जाहिर सी बात है बी का वेतन ज्यादा होगा,
तो बी का वेतन जो ज्यादा है वो कितना है? तीन। अब ए का वेतन अगर हम 1 रुपया कम कर देंगे, किसमें से? तीन में से। तीन एक ही तो कम है, कितने में से? तीन में से। तो इसका कितना बचेगा? 2 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ए बी का जो वेतन है ए से कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है इसका? देखिए, अब ए से देखो कितना ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। किससे देखना है? ए से देखना है अब इस बार। ठीक है, तो ए को कहाँ रखेंगे? नीचे। प्रतिशत में बदलना है, क्या करिए? 100 से गुणा करिए। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? सीधा आपका 50%। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार का कोई फार्मूला लग रहा है? एकदम इजिली क्वेश्चन लग जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं 2 और क्वेश्चन जो परसेंटेज से हैं। देखिए, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई हो तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े? खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। बात क्या हुई, पहले वो चाय पर मान लेते हैं 100 रुपए खर्च करता था। ठीक है, पहले वो अगर 100 रुपए खर्च करता था तो आज क्या हो गया? आज 20% की हो गई है वृद्धि, तो इस तरीके से उसके खर्च होंगे कितने? 120 रुपए। लेकिन वो 120 रुपए नहीं खर्च करना चाहता है, वो केवल 100 रुपए खर्च करना चाहता है, वो 20 रुपए बचाना चाहता है। 20 रुपए बचाना चाहता है, किस पर बचाएगा? आज आज भाई वो 120 पर बचाएगा। आज वो 120 पर 20 रुपए बचाना चाह रहा है, तो 20 रुपए बचाना चाह रहा है, किस पर बचाएगा? 120। तो 120 को नीचे रखेंगे, हमेशा बेस को नीचे रखना है, बाकी कुछ नहीं सोचना आपको। और परसेंट में बदलना इसलिए 100 से गुणा करनी है। देखिए, 20 से कम 20 छक्का 120, 2 से काट दीजिए तिया, और 2 से अगर इसको काट देंगे तो 50। अब कितना आ गया ये? 50/3। कितना? 50/3। इसको अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। ठीक है, और ये प्रतिशत इसके आगे लगा होगा तो प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि यहाँ परसेंट लग गया था यही से। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, ऐसे लगा लो, नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे बनता है। देखिए, ये बनता कैसे है? इसे बनता है 3 एकम 3, कितने बचे? 2, 20 हो गए, 3 छक 18। ठीक है, बचे कितने? 2। ये जो यहाँ पर बचते हैं वो लिखे जाते हैं ऊपर, और जो भागफल होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जिससे भाग लगा रहे थे वो इधर नीचे लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ गए? तो इस तरीके से ये बेसिकली हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी आपको याद करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, यदि खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ जाए तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े, कि व्यक्ति का खर्च नहीं बढ़ना चाहिए? अब इस बात वही बात है जो यहाँ थी। ठीक है, देखिए, पहले क्या करता था? 100 रुपए, आज क्या करेगा? 25% बढ़ गया तो क्या 125 रुपए खर्च करेगा? आज कोई अगर 125 रुपए खर्च करेगा तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि बचाना कितना रुपए? 25 रुपए बचाना चाहता है। ठीक है, किस पर बचाएगा? 125 पर बचाना चाहता है 25 रुपए, और बचाएगा किस पर? 125 पर। इसलिए 125 नीचे, और प्रतिशत में बदलना इसलिए गुणा 100। 25 एकम 25 पंजे 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया भैया? 20%। बताइए, कोई इसमें टफ है? बिल्कुल इजी है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल दूसरे वीडियो में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।